नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। आपको बता दें कि ओपी राजभर का एक बड़ा बयान सामने आ गया है, जिसमें वो जनता के लिए बयानबाजी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि उन्होंने बड़ी मांग जो है सरकार के सामने रख दी है। क्या है वो मांग और ओपी राजभर ने ऐसी मांग क्यों रखी, समझने के लिए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अनवरत प्रक्रिया है, हर साल जो भी सरकार आती है हर साल अपना बजट पेश करती है और आबादी बढ़ती जा रही है, आवश्यकता बढ़ती जा रही है, उस हिसाब से बजट बढ़ता जा रहा है। बजट से फायदा होगा, पुराने सहयोगी जो है बजट आए थे पहले ही ट्वीट करके आरोप लगा दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि काबा कुछ नहीं है उस स्टाइल में। देखिए, उनका काम है विरोध करना, विपक्ष में है तो विपक्ष का काम है सिर्फ विरोध करना और कुछ तो है नहीं। जब सत्ता में वो भी तो उनका भारी भरकम बजट उनका भी आ रहा था। विपक्ष में बीजेपी थी तो ये भी उस समय कह रहे थे कि एकदम ये झूठ का पोलिंदा है, यही ना खेल होता है। बात करेंगे बजट का, 7 लाख करोड़ का बजट है। डॉलर इकॉनमी बनेगा यूपी, बने भैया, नौजवानों को रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, स्वास्थ्य मिले, घरेलू बिजली का बिल माफ करें, यही ना सबकी लड़ाई है। सुझाव दिया इधर तो करीबी आपकी। अरे हम चापी चापा होगा ना। अच्छा, आपने कुछ सुझाव नहीं दिया बजट में क्या रखा है? अरे आगे बजट तब ना सुझाव क्या देंगे। अच्छा, ओपी राजभर को अभी आप सुन रहे थे। ओपी राजभर ने जो है सीधे तौर पर यहाँ पर बड़ी बात कहते हुए ये सामने रख दिया है कि बेरोजगारी, महंगाई और बिजली कटौती को लेकर के जो है और बिजली के जो बिल आ रहे हैं अधिक से अधिक, उन तमाम चीजों के ऊपर जो है एक बड़े एक्शन की जरूरत है और वो बड़ा एक्शन अगर नहीं लिया जाता है तो राज्य में जो है खुशहाली नहीं आएगी और इसीलिए उन्होंने ये मांग उठाई है। ओपी राजभर के मांग वाले इस बयान को सुनने के बाद अब आप लोग की क्या तर्क है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज पॉलिटिकल बाइट।